चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस, एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस टेंस के सेंटेंस का। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि इन्फिनिटिव सेंटेंस का, टेंस के सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का और मोडल्स के सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाना सीखना है। तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉयस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वर, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर के साथ बीइंग, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल बी का या शैल बी का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर पर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि शैल का प्रयोग बंद हो चुका, टेंस के सेंटेंस में शैल का प्रयोग बंद हो चुका है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम केवल विल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें एक्टिव वॉयस के करिस्पॉन्डिंग पैसिव वॉयस में उस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमें पता होना चाहिए। चलिए हम पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉयस बनाना, पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को देखते हैं। पैसिव वॉयस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो टेंस रहेगा उसी टेंस का पैसिव वॉयस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हुए कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा, जो मुख्य क्रिया रहेगी, उसका थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स आएंगे तो उसको इस डैश वाले पार्ट में फिल कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा एक्टिव वॉयस में सब्जेक्ट होगा उसको बाई लगाकर राइट कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का जो इंग्लिश का सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है उसका जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है जो किसी एक्शन को दिखाती है, उसके मेन वर्ब के साथ यस या यस लगा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट का डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट सिमिलर रहता है तो उसके साथ डज, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको टेंस हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता जो हमारा मेन वर्ब है सिंग है, उसके साथ यस या यस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, वो भी अफर्मेटिव, क्योंकि केवल यहाँ से देखकर हमें पता चल रहा है। तो गाने का प्रभाव इस पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे क्योंकि हम इसका पैसिव वॉयस बना रहे हैं, असंग पहले हो जाएगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगा। तो हमारा एक संग की बात हो रही है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, एक लोगों का नाम, एक वस्तु का नाम, एक प्राणी का नाम, ये सभी जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अ सॉन्ग, उसके बाद इज यूज कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है सिंग, जो गाना, जो कार्य है। सिंग का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है संग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग होता है। तो थर्ड फॉर्म होता है संग, अ सॉन्ग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, लेकिन इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, तो थर्ड फॉर्म संग हो गया, मेन वर्ब है। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के साथ जो सीता है, सीता को वैसे का वैसे राइट कर देंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन जो रहेगा, यदि नाउन रहेगा तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यदि प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन यदि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्लेस में होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, चलिए उसको हम बताएंगे अभी आगे।
ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट. डज नॉट या डू नॉट हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं. तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट रहता है तो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट राइट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट. तो हम इसका पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं और ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस. ए से अफर्मेटिव, एन से नेगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच से डब्ल्यू एच से डब्ल्यू डब्ल्यू आई से डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है. और नेगेटिव सेंटेंस यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिमिलर सब्जेक्ट होता है तो डज नॉट राइट करते हैं, और उसको छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वहां पे डू नॉट राइट करते हैं. यहां पर प्ले खेलना हमारा मेन वर्ब है और उसका प्रभाव द क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस. तो सिंपल सा रूल है, द क्रिकेट को पहले ला देंगे, द क्रिकेट और ए क्रिकेट. और हम जानते हैं कि इसी टेंस के लिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, लेकिन द क्रिकेट एक खेल की बात हो रही, एक चीज है, मतलब जो क्रिकेट है एक चीज, एक खेल है, एक गेम है. तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिमिलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं. द क्रिकेट एक खेल का नाम है इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे. और प्ले का मीन्स होता है खेलना, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेट. उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको बाई लगाकर राइट कर देंगे. लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही तो सब्जेक्ट में आता है तब ही राइट होता है, यदि ऑब्जेक्ट में आता तो ही बन जाता. मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ही जब सब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा तो ही के फॉर्म अपने असली रूप में रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही से हिम बन जाता है. ये पहले पार्ट्स ये सभी कब बन जाता है, ही से हिम, सी से हर, ये मैंने राइट कराया, इसको याद कर लीजिए. ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, मतलब ही से हिम बनता है, लेकिन ही जब सब्जेक्ट में रहता है तो अपने असली रूप हिम रहता, तो लेकिन यदि ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम बन जाता, मतलब है ही लेकिन ऑब्जेक्ट में जाने की वजह से वो अपने रूप को बदल लेता, चेंज कर लेता. तो यहां पे हिम हो जाएगा, सी हर हो जाता है, दे देम हो जाता है, यू ही रहता. यू ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट में आए चाहे सब्जेक्ट में आए, यू ही रहता है. और वी अस हो जाता है, इट इट सी रहता है, इट ही रहता है. मतलब ये सभी में याद होना चाहिए कि यदि प्रोनाउन आता है तो वो चेंज हो जाते हैं. सब्जेक्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब सब्जेक्ट वाले रूप में होगा, फॉर्म में होगा. और यदि ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में चेंज हो जाएगा. यही हिम यदि यहां पर पुनः आए तो ही बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में जा रहा है इसलिए हिम बन जाएगा. उसके बाद डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है. तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वही केस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज राइट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू राइट करते हैं. तो यहां पर क्या है, वही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया गया है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस हम उसको ज्यादातर अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे, और नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में है तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे. यहां पर यह सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव में डू या डज प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, द क्रिकेट लाएंगे. लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ है, वैसे पैसिव वॉइस में भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे. लेकिन हम जानते हैं तो ये तो डू या डज तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस में, मतलब खुद टेंस के सेंटेंस में प्रयोग होता, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज होता है. तो इज एम आर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, सी, इट, राम, श्याम, एक वस्तु का नाम, एक व्यक्ति के नाम, एक जगह का नाम के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ हेम, और बाकी सब्जेक्ट कोई भी आएगा उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं. बस हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट याद कर लेना है और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं. चलिए यहां पर देखते हैं, द क्रिकेट एक खेल की बात हो रही है, हमें इज एम आर तीनों में से एक को प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर किसका प्रयोग करेंगे ये देखते हुए,
यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक खेल की बात हो रही है, इसलिए इज एम आर तीनों में से इज लगाएंगे। उसके साथ नेगेटिव होने की वजह से तुरंत नॉट प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेट, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं प्लेट और बाई ही। ही है, ही तो सब्जेक्ट में होता है, ही जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ही तो सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा आता है व्हेन डज द पियोन रिंग द बेल। रिंग का मीन्स होता है बजाना, बेल मतलब घंटी, पियोन मतलब होता है चपरासी। चपरासी घंटी कब बजाया बजाता है, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डू या डज प्रयोग हुआ साथ में डब्ल्यू एच क्वेश्चनिंग वर्ड। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, पहले प्रयोग हुआ है, वैसे पैसिव वॉइस में भी पहले ही प्रयोग हुआ है, ये पीस का प्लस पॉइंट। और यहाँ पर रिंग हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर ये हमारा दर बेल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड वैसे का वैसे राइट कर देंगे और द बेल को पहले लाएंगे, द बेल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द बेल एक की बात हो रही है, डू डज लगा है, तो यहाँ पर ध्यान पियोन के, यहाँ पर द बेल एक घंटी की बात हो रही है, कि द बेल के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर प्रयोग करना है। तो पैसिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस में डू डज यूज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस के टेंस का सेंटेंस होने पर डू डज तो टेंस के सेंटेंस में होता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इज एम आर तीनों में से एक को प्रयोग करना है, लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, क्योंकि एक बेल की बात हो रही है, एक घंटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर द, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से तीनों में से एक को राइट करना है, लेकिन द बेल मतलब एक की बात हो रही है, इसलिए हम इज का प्रयोग कर देंगे वेन। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जैसे टेंस के सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड शुरू में रहता है, वैसे पैसिव वॉइस में भी उसी प्लेस पर राइट कर देंगे। इंटरोगेटिव का यही सबसे प्लस पॉइंट है कि जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्टिंग में आता है टेंस के सेंटेंस में, वैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स को हम स्टार्ट में ही राइट करेंगे। यहाँ पर वेन का वेन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से ही हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तीन यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो हमारा द बेल एक की बात हो रही है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके पहले मैंने बताया है द बेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट होता तो यहीं पर नॉट राइट कर देते, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। उसके बाद रिंग, रिंग रैंग रंग, यहां पर रिंग का मीन्स होता है बजाना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है रैंग, आर एन जी, थर्ड फॉर्म होता है आर यू एन जी रंग, और फोर्थ फॉर्म होता है रिंगिंग। यहाँ पर थर्ड फॉर्म रंग राइट कर दिए। उसके बाद बाई, उसके बाद यहाँ पर द पियोन, ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज नहीं होता, नाउन चेंज, नाउन है, सॉरी नाउन है, नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट में रहता है तो सब्जेक्टिव केस में राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में। द पियोन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर टेंस का पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको हमें याद होना चाहिए। और दूसरा केस क्या है, ये फार्मूला, फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्सटेंस के सेंटेंस का, टेंस का सेंटेंस और मोडल्स के सेंटेंस, ज्यादातर सेंटेंस का पैसिव वॉइस इसी फार्मूले बनाते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग जैसा हमारा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस रहेगा तो ये यूज करेंगे, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगा और जो मेन वर्ब रहेगा उसका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म संग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेच, और रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। यहाँ पर ये जो मेन वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे तो इस डैश वाले पार्ट में फील हो जाएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में बाई लगाकर राइट करते हैं, जिसका मीन्स होता है द्वारा।